वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो होने वाला है मीशो साड़ी ट्राई ऑन हॉल। दिस इज़ द थर्ड वीडियो जो मैं मीशो के साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ। मीशो से मैंने आज तक जो भी प्रोडक्ट्स लिया है, आई एब्सोल्युटली लव द प्रोडक्ट्स गाइस। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स वर लाइक सुपर्ब। लास्ट टू वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑल्सो मैं आई बटन में भी एक वीडियो डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट डेफिनेटली कर सकते हो। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बींग अ बंगाली गर्ल, आई जस्ट लव टू वेयर साड़ीज। लाइक कोई भी ओकेजन हो, वी ऑलवेज यूज टू यू नो वेयर साड़ीज, एंड दैट्स वाई आई थॉट ऑफ यू नो परचेजिंग सम कॉटन साड़ीज जो हर ओकेजन के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। आप यू नो ज्वेलरी या फिर मेकअप के साथ साड़ी के लुक को एकदम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 डिफरेंट कलर्स की कॉटन साड़ीज है, आई होप आपको भी पसंद आएगा। तो जो पहला आइटम है वो है एक ब्यूटीफुल यू नो इंडिगो कलर की कॉटन साड़ी जो मैंने आज वेयर भी किया है। कुर्ती ये एंड ये साड़ी एकदम ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप देख सकते हो आपको फुल साड़ी पे ऐसा वाइट कलर में ना प्रिंटेड डिज़ाइन मिलेंगे, एंड ऑल ओवर द साड़ी आपको ऐसे ही मिलेंगे। प्राइस कुछ 600 के आसपास था, इतना सस्ता प्राइस में इतना अच्छा क्वालिटी मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई प्रेफर कि इसके साथ ना पहन के अगर हम थोड़ा सा कुछ डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ इसको वेयर करें, इन दैट केस इट विल लुक मोर ब्यूटिफुल। तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई ऑन दिस प्रोडक्ट। मैं आपको अच्छे से पहन के दिखा दूंगी ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कैसा लगेगा ये मेरे ऊपर देखने में। कोई भी एज ग्रुप से हो, ये सब साड़ीज आप डेफिनेटली वेयर कर सकते हो। कलर्स बहुत ही अच्छा है। अब धोने के बाद कैसा होगा वो मुझे नहीं पता है, बट अगर कुछ होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर वो शेयर करूंगी। तो दिस वॉज द फर्स्ट साड़ी दैट आई एब्सोल्युटली लव। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड साड़ी, इसको पहन के मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी की थी जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, एंड आई ऑल्सो लव द साड़ी। लाइक आई जस्ट लव द कलर रेड, एंड ये जो साड़ी है दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्क्रिप्टेड साड़ी, लेट मी शो यू। पहले ही आप थोड़ा सा बीपी जो है वो देख लीजिए। तो ब्लाउज पीस आपको ऐसा रेड के ऊपर वाइट कलर में ऐसा स्क्वायर डिज़ाइन मिलते हैं। वी कॉल इट जयपुरी डिज़ाइन, आई डोंट नो इन हिंदी की इसको क्या बोलते हैं, बट आई थिंक कुछ नाम है इसका जो मुझे पता नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट द साड़ी, दिस इज अ ब्यूटिफुल स्क्रिप्टेड साड़ी जिसमें बहुत संस्कृत में आई थिंक कुछ लिखा हुआ है। कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वाइट ब्लैक एंड रेड की कॉम्बिनेशन में है। फुल साड़ी पे आपको ऐसे ही मिलेंगे, फुल स्क्रिप्टेड साड़ी है। एंड जो पल्लू है, पल्लू और भी ज़्यादा खूबसूरत है गाइज। पल्लू ऐसा ब्लैक कलर के ऊपर है, ऐसे फुटप्रिंट बनाया गया है, एंड यहाँ पे एक ऐसा कुछ डिज़ाइन है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। तो ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, स्पेशली पूजा के लिए। आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। आप इसको ब्लैक कलर के ब्लाउज या फिर रेड कलर के ब्लाउज के साथ कैरी कर सकते हो। ऑल्सो सम स्टेटमेंट झुमका सा, हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये लुक पूजा में। ऑल्सो आप इस पे जो दिया हुआ है ब्लाउज पीस, इसके साथ भी कैरी डेफिनेटली कर सकते हो। बहुत ही प्लेन सॉफ्ट कॉटन साड़ीज़ है सभी, एंड आई एब्सोल्युटली लव द साड़ीज़। लाइक बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट मेरे पास जो साड़ी है, दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट साड़ी फ्रॉम दिस हॉल। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। दिस इज़ इन ब्यूटीफुल वाइट कलर। इसका जो ब्लाउज पीस है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा कॉन्ट्रास्ट पे आपको ब्लाउज पीस मिलता है। दिस इज़ द ब्लाउज पीस, ऐसा इंडिगो कलर में है, उसके ऊपर रेड येलो एंड ब्यूटीफुल लाइट स्काई ब्लू के ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाया हुआ है। फुल साड़ी वाइट कलर में है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फैशनेबल साड़ी, आई कैन से आप इसको कोई भी ओकेजन में कैरी कर सकते हो। अच्छे से अगर आप इसको कैरी करते हो विद सम स्टेटमेंट ज्वेलरीज, दिस इज गोना बी लुकिंग वेरी वेरी नाइस। लाइक मैंने इसको दो बार वेयर किया है, एंड यू गाइस लव द पिक्चर, आई एक्चुअली लव द पिक्चर एज वेल। सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। लाइक ये साड़ी मुझे दी बेस्ट लगा है। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, आई होप आपको तब अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में साड़ी कैसा है। और जो भी प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। लाइक 600 620 ऐसा ही कुछ प्राइसेस था सभी साड़ीज़ का।
तो मैंने अभी तक आपको 3 साड़ीज दिखाया है। अभी चलिए थोड़ा सा मीशो के बारे में बात करते हैं। तो मीशो पे आप शॉपिंग करने के साथ साथ रीसेलिंग भी कर सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आपको मान लो रीसेलिंग करना है तो आपको सिर्फ जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है उसको शेयर करना है थ्रू एनी ऑफ द सोशल मीडियाज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। उसमें आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को शेयर कीजिए, पिक्चर्स शेयर कीजिए। अगर कस्टमर लेना चाहते हैं प्रोडक्ट को तो आपको ऑर्डर करना है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। मान लो आपको सेल करना है 2200 की एक प्रोडक्ट, उसमें मार्जिन रखना है 50 रुपीज। आपका टोटल प्राइस कितना हुआ 250 रुपीज। तो आपको वहाँ पे जो मार्जिन एक लिखा हुआ है उसमें आपको लिखना है 250 रुपीज। उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। अगर रिटर्न हो तो 7 डेज के अंदर रिटर्न करना होता है कस्टमर को। अगर रिटर्न नहीं होगा तो इन दैट केस आफ्टर 7 डेज ऑफ द डिलीवरी आपको आपका जो प्रॉफिट है वो आपके जो बैंक डिटेल्स है उसमें मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो मीशो से या फिर आप रीसेलिंग भी कर सकते हो। एक बार में आप सभी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड नहीं कर सकते हो। अगर डिफरेंट डिफरेंट सेलर से हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा मीशो पे। एंड ऑल्सो मीशो पे साइन अप करने के लिए जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। आप उस लिंक से जाके शॉपिंग कर सकते हो। अगर आपकी फर्स्ट ऑर्डर हो ये तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएंगे अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से शॉपिंग करते हो तो। ऑल्सो मैंने कुछ कोड्स दिया हुआ है जो इसी साड़ीज का कोड है, उसमें आपको एस लगाना है पहले, उसके बाद जो कोड है उसको आप कॉपी करके डाल दीजिए मीशो पे, उसके बाद सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे ये सारे प्रोडक्ट्स। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 4th आइटम। तो 4th आइटम पे आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड क्योंकि मैंने एक और प्रोडक्ट चूज किया था और मेरे पास कुछ और प्रोडक्ट आ गया। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ इज इट पॉसिबल, बट मैंने एक बहुत ही सुंदर पिंक कलर की साड़ी ऑर्डर किया था और आई हैव रिसीव्ड दिस साड़ी। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस बट स्टिल मैंने इसको ऑर्डर नहीं किया था। दिस इज इन ब्यूटिफुल रेड एंड ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में है साड़ी। आई थिंक फुल साड़ी ऐसा ही है, मैंने अभी तक इसको वेयर किया नहीं है। तो नीचे की जो पोर्शन है वो इस तरह से आई थिंक आएगा, वाइट एंड ब्लैक कलर में है एंड फुल साड़ी में आपको ऐसे ही मिलेंगे। इसमें भी आपको ब्लाउज पीस मिलेंगे, एकदम सिंपल ब्लैक कलर में है इसका ब्लाउज पीस। और इसका भी कपड़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब पहनने के बाद कैसा लगता है वो मुझे देखना है क्योंकि मैंने अभी तक इसको वेयर किया नहीं है, बट एब्सोल्युटली लव द क्वालिटी। दो मैंने जो चूज़ किया था वो आया नहीं, दूसरा कुछ आ गया और बहुत ज़्यादा लेट हुआ था ये प्रोडक्ट रिसीव होने में मुझे। बट ठीक है, मैं काम चला लूँगी, जो मुझे रिसीव हुआ है उसको मैं वेयर कर लूँगी, उसको मैं स्टाइल कर लूँगी। आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हो। ये भी मुझे कपड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द लास्ट आइटम जो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्राइट येलो कलर, क्योंकि दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्राइट येलो कलर की साड़ी। इसमें आपको येलो के साथ एश और ग्रे कलर, वट एवर यू वुड लाइक टू कॉल इट, उसके साथ काम किया हुआ है फुल साड़ी पे। एंड दिस इज़ द पल्लू ऑफ द साड़ी। ओ माई गॉड, द साड़ी इज़ सो सो गॉर्जियस, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट इन प्योर कॉटन का मटेरियल क्योंकि ये उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है जितना बाकी साड़ीज मुझे लगा। स्पेशली जो ये वाइट कलर की साड़ी था ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, बट ये मुझे उतना सॉफ्ट फील नहीं हुआ। मे बी दिस इज़ इन स्विस कॉटन, आई डोंट नो, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। जो भी है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। लास्ट वाला ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, दैट्स वाई मैं इसको प्री रिकॉर्ड करके बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट पे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आप और भी मीशो के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप बताना नीचे कमेंट सेक्शन पे। अगर नए हो एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके पास मेरे सब नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड लव यू ऑल।